সবুজ আপ দেখলে সবুজ মেয়া ইউটিউব চ্যানেল তোমার আমার ভালোবাসা সবুজ ভালোবাসা দোস্ত আজ বস দিন মে ঘর পে রা কাম পে নেই গা ঠিক হ্যাঁ তো আজ মানে সোচা কি আজ মানে যাঁ পে আপনি রুম পে स्टूडियो बनाना चाहता हूँ, छोटा मोटा स्टूडियो जहाँ पे हम वीडियो शूट कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मैं अपनी स्टूडियो बना रहा हूँ और कैसे होगा। ठीक है, अभी वहाँ पे बहुत सारा सामान है, उस सामान को हटाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, लाइट सेटअप लगाना पड़ेगा, इसके बाद बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है। तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा ये स्टूडियो, कैसे लगेगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये रूम, ये जो रूम है इसको, इसके अंदर मैं स्टूडियो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है, लाइट का बोर्ड है, लाइट जलाया। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं इसके अंदर टीन भी है, हाँ इसके बहुत सारा सामान है। ठीक है, और यहाँ पे सामने धान लगा, धान रखा है, बोरा में धान रखा हूँ। और ये देखिए जलना से चाय गार्डन है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लुक है यहाँ पे देख सकते हैं। और चाय गार्डन के साथ में उसके पास एक रेल लाइन है जहाँ पे ट्रेन चलता है, दोनों रेल लाइन, डबल रेल लाइन ट्रेन चलता है। ठीक है, इसके रूम के अंदर मैं कुछ सोच रहा है कि अच्छा करेगा, एक अच्छा बैकग्राउंड लगेगा यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पीछे जो है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाएगा ताकि मैं यहाँ पे खड़े होके वीडियो शूट कर सकता हूँ। और इसके अंदर देख सकते हैं ये है लाइट, मैंने जुगाड़ करके पहले बनाया था, पहले भी को टिकटॉक में लाइक में वीडियो अपलोड करते थे वहाँ, उस समय इसको मैंने बनाया था। तो अभी भी यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये सब कुछ सही है, अगर लाइन के साथ कनेक्ट करेगा तो बस जलते जलेगा लाइट रोशनी देगा। तो मैंने सोचा कि इस रूम को अच्छी तरह से बनाएगा और एक स्टूडियो बनाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों से वीडियो शूट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया आ सकते हैं। ठीक है, ये जो देख सकते हैं ये तो हमने पहले इस्तेमाल किया था, अभी दो बाद में छोड़ दिया है वीडियो बनाना और कुछ। ठीक है, तो सोच रहा है कि बहुत ही गर्मी थे, पसीना पसीना हो गए, इतना पसीना है और क्या करेगा यार, पसीना की वजह से तो करना ही पड़ेगा ब्लॉग। आप लोगों मेरी जान हो, मेरी फैमिली हो, ठीक है, इस चैनल को और आगे बढ़ाइए यार, और आगे ग्रो कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ। और बहुत सारा मैं, मुझे बहुत बड़ा ड्रीम है, ड्रीम को आप लोग को भी मैं शेयर करेगा, आप लोग भी इस मेरे ड्रीम के अंदर बढ़ते हुए, और आप लोगों की वजह से मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, 100 सब्सक्राइबर भी क्रॉस कर चुका है, 112 हो चुका है, 1K सिर्फ जल्द मुझे 1K कर दो। ठीक है, ताकि और अच्छा अच्छा कंटेंट ला सके और अच्छा अच्छा वीडियो बना सके आप लोगों के लिए, मेरी लाइफ के बारे में, मेरी सब कुछ जानकारी मैं आपको देगा। ठीक है, मैंने क्या किया, कहाँ पर किया, कहाँ पर पढ़ाई किया, सब कुछ मेरे बारे में आप लोगों को बताएगा। ठीक है, तो इस वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। तुम्हारा हमारा भालाबाशा, सबुज भालाबाशा, लव यू दोस्तों, जय हिंद, मेरा भारत महान है। आप लोगों को वेलकम करता हूँ सबुज माया यूट्यूब चैनल में, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि सबुज माया नाम की एक चैनल है जहाँ पे गरीब परिवार से आता है जो बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाता है, ब्लॉग शूट करते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉग में ये भी अन करते हैं, आई होप इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जल्द से जल्द मैं इस रूम को अपनी स्टूडियो बनाएगी, तब देखना कि कैसा लगता है स्टूडियो में वीडियो शूट करके, लाइटिंग वगैरह। ठीक है, अभी एक ही लाइट जला हुआ है, देख सकते हैं एक ही बल्ब है वहाँ पे लगा हुआ है, तो इतना अच्छा मतलब लाइट क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी अच्छा है। इवनिंग टाइम अभी 5 बज गया है इसलिए, नहीं तो और थोड़ा बहुत लाइट आता था, सूर्य की रोशनी से, किरण से अच्छा होता। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड करके आप लोगों के लिए, हर डे पर डे 9 बजे वीडियो अपलोड आने वाला है सबुज माय यूट्यूब चैनल पे।